One night he saw Bala go into the field. एक दिन बूटा ने क्या देखा? देखता है कि बाला कहाँ जा रहा है, खेतों की जानिब जा रहा है. He followed him. उसने उसका पीछा किया. Followed का मतलब क्या होता है? पीछा करना. Bala went straight to the brinjal. बाला सीधा कहाँ गया? ब्रिंजल्स के पास गया, बैंगन के पास गया. As usual he asked the field for permission. और हमेशा की तरह उसने क्या किया? खेतों से इजाज़त ली. To take brinjals, वहाँ से क्या लेने की? बैंगन लेने की. Then he gave himself permission, और उसने अपने आप को ही इजाज़त दे दी. ठीक है. But before he could pluck the brinjal, लेकिन इससे पहले वहाँ से वो ब्रिंजल बैंगन को तोड़ता, बूटा jumped on him. बूटा ने उसके ऊपर छलांग लगाई. He threw Bala across his shoulder, उसने बाला को अपने कंधों पर फेंका. And carried to the pond near the field, और उसको उठाकर कहाँ ले गया? तालाब के पास ले गया, जो कि खेतों के करीब था. Then he threw him on the ground, और फिर उसे कहाँ फेंक दिया? ज़मीन के ऊपर फेंक दिया. अच्छा जी, क्लास जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये बूटा है, ठीक है. उसने बाला को उठाया अपने, जैसे ही बाला क्या तोड़ने जा रहा था, बैंगन तोड़ने जा रहा था, ठीक है. ये बैंगन गार्डन है, बैंगन का क्या है, खेत है. अभी जैसे ही बैंगन तोड़ने जा रहा था तो उसने क्या किया, बाला को अपने कंधों पर उठाया और कहाँ ले गया, तालाब के पास ले गया. और उसने क्या किया, उसको यहाँ पर फेंका, ज़मीन के ऊपर डाल दिया, ठीक है. अब आगे क्या होता है, आगे क्या कह रहे हैं. Pond, pond, said Bhoota, how many times should I dip this the fellow man into your water? Pond, pond, तालाब तालाब, Bhoota ने कहा. How many times, कितनी बार मैं इस आदमी को पानी के अंदर फेंकूँ, डिप करूँ, ठीक है, भिगोऊँ. डिप का मतलब होता है भिगोना, सही है. अब क्या कह रहे हैं, जैसे बाला करता था कि खेतों से इजाज़त लेता था, इसी तरह बूटा ने भी क्या किया, तालाब से इजाज़त लेनी चाहिए. एंड प्रिटेंडिंग, और इस तरह एक्ट किया, इस तरह नकल की, टू बी द पॉन्ड, और उसने अपने आप को क्या तसव्वुर किया, क्या प्रिटेंड किया कि वो क्या है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, ठीक है. जैसे बाला करता था, बाला ने क्या किया था, वो समझता था कि मैं ही खेत हूँ और मैं इजाज़त ले रहा हूँ खेतों से, और वो अपने आप को ही इजाज़त दे देता. अब इसी तरह बूटा ने क्या किया, वो उसने एक्ट किया, ये तसव्वुर किया, वो क्या है कि वो एक पॉन्ड है, ठीक है, एक तालाब है. वो तालाब से इजाज़त ले रहा है कि मैं इस आदमी को कितनी बार तालाब के अंदर भिगोऊँ, ठीक है, फेंकूँ या डिबोऊँ, सही है. तो उसने अपने आप को ही इजाज़त देनी चाहिए, इजाज़त दी. नॉट वंस, एक बार नहीं, डियर बूटा, मेरे प्यारे बूटा, डिप हिम 100 times, उसको 100 बार उसके अंदर भिगो, और 200 times या 200 बार और मोर, उससे भी ज़्यादा, ठीक है. क्या कहा बूटा ने, अपने आप को क्या इजाज़त दी, बूटा ने अपने आप को इजाज़त दी, ये तसव्वुर किया कि बूटा ख़ुद क्या है, एक पॉन्ड है, और उसने इजाज़त दी कि एक बार बाला को उसके अंदर नहीं फेंको, 100 बार फेंको या 200 बार फेंको या उससे भी ज़्यादा फेंको, ठीक है. बाला गॉट होम वेरी लेट एट दैट नाइट, बाला उस रात बहुत देर से घर पहुंचा. ही वॉज सोकिंग वेट, वो बहुत ज़्यादा गीला चूर हो चुका था, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा गीला था, क्योंकि बूटा ने क्या क्या किया था, उसको बहुत ज़्यादा पानी के अंदर डिप किया था, पानी के अंदर उसको फेंका था, वो सर से पांव तक क्या हो गया था, गीला चूरा हो गया था. और उस रात वो बहुत ज़्यादा देर से घर पहुंचा. बट ही नेवर स्टोल ब्रिंजल अगेन, लेकिन उसने दोबारा अब बैंगन नहीं चुराए. अब क्यों नहीं चुराए उसने बैंगन, क्योंकि उसे बहुत अच्छा सबक मिल गया था, ठीक है. क्लास, होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को भी स्टोरी समझ में आई होगी. अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है और उसको याद करना है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा, ब्रिंजल. ब्रिंजल का मतलब क्या होता है, बैंगन. ब्रिंजल बैंगन, ब्रिंजल बैंग, ब्रिंजल बैंगन. ओके, पहला वर्ड क्या था हमारा, ब्रिंजल. ब्रिंजल का मतलब क्या होता है, बैंगन. सेकंड वर्ड हमारा फील्ड. फील्ड का मतलब क्या होता है, खेत. फील्ड खेत. लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा. इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड के बजाय. विस्पर्ड आहिस्तगी से बोलना, विस्पर्ड आहिस्तगी से बोलना या कान में बोलना, ठीक है. विस्पर्ड आहिस्तगी से बोलना या कानों में बोलना. प्रिटेंडिंग तसव्वुर करना, प्रिटेंडिंग तसव्वुर करना, प्रिटेंडिंग
तसव्वुर करना, डजन दर्जन, डजन दर्जन, डजन दर्जन, लेटर बाद में, लेटर बाद में, ओनर मालिक, ओनर मालिक, ओनर मालिक, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, स्टीलिंग चुराना, कैच पकड़ना, थीफ चोर, पेज नंबर 24 ओपन कीजिए, ओके, फॉलोड पीछा करना, स्ट्रेट सीधा, परमिशन इजाज़त, प्लग तोड़ना, शोल्डर कंधे, पॉन्ड तालाब, डिप भिगोना, वेट घीला। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।